नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सभी को आज की महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जितने भी राज्य में सरपंच नॉमिनेटेड हैं उनके लिए वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में और भी आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, राज्य में 11 अरब की राशि जो है जारी कर दी गई है वार्ड सदस्य के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्यों के लिए क्या क्या घोषणाएं की है इसको लेकर आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, बिहार में जो नई एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए सरकार का एजेंडा बिल्कुल ही साफ है इस बार, और बिहार के तमाम लोगों को रोजगार देना, रोजगार के लिए प्रेरित करना और नए स्टार्टअप को सहयोग देना इस बार सरकार का लक्ष्य है, और इसके लिए आर्थिक मदद करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना बिहार सरकार की नीति में शामिल है। और इसी नीति के तहत बिहार के वार्ड सदस्य सरपंच को 2-2 लाख रुपए मिलने जा रहे। इसकी सारी प्रक्रिया बिहार सरकार पूरी कर चुकी है और इस मामले की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे। इसके लिए पत्र भी जारी किया गया है और बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो और इसका लाभ जो है वो स्वयं उठा पाए, इसका लाभ आम जनता को दे पाए, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। तो दोस्तों, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पत्र जो जारी किया है, बता दें कि 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत सरकार से प्राप्त ट्रायड अनुदान की द्वितीय किस्त 11 अरब 46 करोड़ 42 लाख रुपए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम समितियों जिला परिषद को 17% के अनुपात में वितरित किए जाने की स्वीकृति पंचायती राज विभाग के द्वारा मिल चुकी है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी आते हैं, उनको 70% राशि 11 अरब रुपए में से दी गई है और 15% राशि जो है प्रखंडों में प्रमुख साहब जो होते हैं उनको मिली है। साथ ही 15% जिला परिषद अध्यक्ष को मिली है और उनको व्यय करने के लिए ये राशि दिया गया है। ये आवंटन पिछले महीने जारी किया गया है। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुख्य शीर्ष 2515, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष लघु शीर्ष 198, ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष, पंचायती राज संस्था को सहायता के रूप में 11 अरब में से 75% राशि मुखिया जी को और 15% राशि जो है जिला पार्षद और जितने प्रमुख साहब हैं उन्हें दी गई है। इस राशि को सही तरीके से व्यय करवाना, लोगों को लाभान्वित करवाना और योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद सदस्य, इन तमाम लोगों की होती है। किंतु प्रायः देखा जाता है कि वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य जिला पार्षद के सदस्य जो कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, जो भी पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है उनके अधिकार का दोहन होता है, शोषण होता है और उनके साथ अन्याय हो जाता है। किंतु इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि जितने भी वार्ड समिति के सदस्य, मुखिया, सभी प्रतिनिधि मिलकर के 11 अरब रुपए की जो राशि जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा उसे उपयोग में लाएं। और दोस्तों, अब जो है बिहार सरकार 2 लाख रुपए भी देने जा रही है। बिहार सरकार के तमाम वार्ड सदस्य सरपंच साहब को राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा गणना करवाया गया था, जिसमें गरीब परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 94 लाख परिवार सूचीबद्ध हुए हैं। ऐसे में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य हैं सरपंचों को प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार 2 लाख रुपए देगी, ताकि एक जन प्रतिनिधि के कर्तव्य के साथ अपने अन्य कर्तव्यों का निर्वहन हो पाए। और बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच को निश्चित राशि 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसमें कोई भी जटिल प्रक्रिया बिहार सरकार इस बार नहीं अपनाने वाली है। और बिहार सरकार ऐसे कानून बना रही है जो कि कोई भी सरपंच, वार्ड सदस्य जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना, जिसकी घोषणा स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री जी ने की है, बिहार के तमाम वार्ड सदस्य और सरपंच को ये बड़ा फायदा होने जा रहा। एनडीए की नई सरकार नई नई योजनाएं चला रही है और जिससे बिहार के वार्ड सदस्य को बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिहार के तमाम वार्ड सदस्य सरपंच साहब को 2-2 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे और बिहार सरकार ने इसके लिए 11 अरब रुपए का आवंटन जो है किया है। और बिहार में अब नई एनडीए सरकार आते ही वार्ड सचिवों में भी एक उम्मीद जगी है। सभी जो है सम्राट चौधरी से आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ही थे। लगातार अब जनता के हितों में फैसले लेने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है और लगातार जो है फैसले लिए भी जा रहे। बिहार के जन प्रतिनिधियों को लेकर सरकार नए नए स्तर पर फैसला जो है करेगी। ये मानकर चलिए कि बिहार सरकार अब पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए अहम फैसला लेगी और सिर्फ आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे, तभी और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से हो पाएगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।